करते हैं तीर्थों से, कुछ लोग प्रेम नहीं करते, तो शांति जो थी वो भंग हो गई तीर्थों से भी। गृहस्थों के घर शांति नहीं, क्योंकि गृहस्थों के घर भी लड़ाई झगड़े नित्य चल रहे हैं। नारद जी बोले, मैं वृंदावन आया, और जब वृंदावन आया तो यहाँ एक 16 वर्ष की कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा और दूसरा बूढ़ा बाजू में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 16 वर्ष की कन्या के साथ ये बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पुरुष क्यों हैं। मैं जाने लगा क्या लेना देना था। तब वो कन्या दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा विहरम परम। नारद जी के चरणों में गिर पड़ी, महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी का कहते हैं, को भवान, आप कौन है? तब वो कन्या कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले, महारानी आपकी ये हालत हो गई, आप भक्ति हो? हाँ। बोले, कैसे हालत हो गई? बोले, जब से कलयुग आया इस कलयुग में भक्ति तो फिर भी उत्पन्ना द्रवणे शाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रीय गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती है, मेरा जन्म द्रवण देश में हुआ, वृद्धिम करणा में कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में कहीं कहीं सम्मान मिला और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में बुद्धि हो गई, और वृंदावन जब आई तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वाह। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति प्रकट कहाँ होती है? बोले, भक्ति हृदय में प्रकट होती, उत्पन्ना द्रवणेशाहम, भक्ति सबके हृदय में उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्नाटके गता, कानों से जब कथा सुनेंगे गोविंद की तो भक्ति बड़ी होगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब ये शरीर, इस शरीर में शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। जब भक्ति करता है कोई तो भक्ति को सुख मिलता है, भक्ति नहीं करता तो भक्ति रोती है, उदास हो जाती है। इस शरीर से कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, हाँ? तो और गुजरात में तो भक्ति बूढ़ी हो गई, गुजरात क्या, गुजर गई रातें भजन के बिना। जब आप कथा नहीं सुनेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, राम नाम कृष्ण नाम नहीं जपेंगे तो भक्ति बूढ़ी हो जाएगी। आपके भीतर भक्ति बूढ़ी हो गई और आपके अंदर आपका आलस्य जवान हो गया। जब आप आलस्य करते हैं ना, चलो चलो 4 बज गए, गुरुजी ने कहा था 4:30 बजे जाग जाओ, 5 बजे तो बिस्तर छोड़ दो, नींद तो खुल गई पर आलस्य आ गया, थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते 6:30 बज गई, 7 बज गई, अब भजन का समय फिर कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बहाना करेंगे काम है। आलस्य का परित्याग करिए, आलस्य जवान है आपके भीतर, आलस्य को बूढ़ा कर दीजिए और भक्ति को जवान कर दीजिए। भक्ति अधिक करेंगे तो वो जवान होगी। अब वृंदावन में भक्ति तो जवान थी पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं था। ज्ञान वैराग्य अर्थात इस युग में कोई ज्ञान को कोई वैराग्य को धारण करना नहीं चाहता, सब यूं ही चल रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, केशव की गोविंद की शरण ग्रहण करो, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की आपकी रक्षा जरूर करेंगे। वृथा खेद मत करो और प्रेम पूर्वक गोविंद की शरण ग्रहण करो। नारद जी ने गीता वेद वेदांत का पाठ ज्ञान वैराग्य को सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटती तो है फिर मूर्छित हो जाते। अब क्या होता,
अब आकाशवाणी हुई भागवत सुनाइए। तब भागवत की खोज में बद्रीनाथ पहुंचे और संतों से कहा यह सत्कर्म क्या है। संतों ने कहा कि भागवत ही सत्कर्म है। संतों ने एक जिज्ञासा रखी, प्रभु क्या भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा? हाँ। नारद जी ने कहा हमने तो गीता वेद पुराण सब सुनाए, ज्ञान वैराग्य भक्ति को उनका दुख दूर तो नहीं हुआ, तो फिर भागवत तो इन्हीं का सार है। तब संतों ने कहा कि दूध से घी निकलता है, दूध से ही घी निकलता है, फिर भी जो कार्य घी कर सकता है वो काम दूध तो नहीं कर सकता। उसी तरह वेद पुराणों से भागवत तो निकली है सर्व वेदेतिहासानाम, परंतु जो गति जो शक्ति भागवत में है मोक्ष देने की, वो शक्ति किसी के भीतर नहीं है। इसलिए भागवत श्रवण करते ही आप मोक्ष की ओर, भगवत भक्ति की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, एक व्यक्ति ने हमसे एक संदेह किया, एक प्रश्न किया कि गुरुदेव क्या भागवत सुनने से कोई मुक्त हो सकता है? क्या भागवत श्रवण करने से किसी को शांति मिल सकती है? हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा कैसे? हमने कहा ऐसे। अब आप ही देखिए, यदि आपको कोई गाली दे तो गाली सुनते ही आपका मन खिन्न हो जाता है कि नहीं, क्रोधित आप हो जाते हैं कि नहीं? जैसे गाली सुनने से आपका मन व्याकुल होता है, मन अशांत हो जाता है, अग्नि लग जाती है। यदि गालियां सुनने से मन अशांत हो सकता है तो कथा सुनने से मन शांत क्यों नहीं हो सकता? भक्तों, गाली भी कान से प्रवेश करती है और कथा भी कान से प्रवेश करती है, गाली भी मुख से कही जाती है और कथा भी मुख से कही जाती है। यदि गाली तुरंत, मैंने गाली आज आपको दी तो गुस्सा अभी आएगा, कल तो नहीं आएगा। जैसे गाली का प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है, ऐसे ही भगवान की कथा का प्रभाव भी तुरंत ही देखने को मिल जाता है। गाली मन को अशांत कर देती है तो कथा मन को शांत कर देती है, शरीर को गर्म कर देती है, क्रोध की अग्नि में डाल देती है, जबकि कथा क्रोधी को भी शांत कर देता है। तो अपनी अपनी जगह सब महत्व रखते हैं। प्रिय भक्तों, मुझे एक बचपन की छोटी सी बात स्मरण है। मैं भागवत कितनी पावरफुल है मैं इसका आपको प्रैक्टिकली उदाहरण देता हूं। एक बार आपने भी सुना होगा, पहले के जमाने में जब किसी को सर्प डसता था, सांप डसता था ना, तो हॉस्पिटल कम ही होते थे पुराने जमाने में। पहले के जमाने में काला नांग किसी को डस देता था ना, तो पंडा जी मंत्र पढ़ के सांप का जहर उतार देते थे। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, इसलिए बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। ये बात मैंने किसी से सुनी नहीं है। एक बार जब मैं बहुत छोटा था तो बाजार ही गया था कोई सामान लेने, तभी दीपावली का समय था, लोग साफ सफाई कर रहे थे, तो एक व्यक्ति घर में जो दीपावली की साफ सफाई थी वो कर रहा था, उसी क्षण उसे काले नांग ने डस दिया। अब वो रोता रोता बाहर निकला, मुझे सांप ने डस दिया, तुरंत बाहर आया। उस जमाने में वो डिब्बा चलता था जो एक रुपए डालो और बात करो, तो उस व्यक्ति के पास कोई जानकार व्यक्ति था, उसने उसको फोन लगाया जो सांप के जहर को उतारता था। ये मेरी आंखों के सामने की घटना, उस समय मेरी उम्र लगभग 9 वर्ष रही होगी, 9 या 10 वर्ष। अब कान में मोबाइल फोन लगाया वो डिब्बे वाला, पैसे डाले और वहां से उसने मंत्र पढ़ा और यहाँ पर बताया गया कि ऐसे ऐसे करो। उसने मंत्र सुना और वैसे वैसे किया गया, मेरी आंखों के सामने काला नाग डसा था। वो व्यक्ति रोता रोता आया था, दो लोग पकड़ कर लाए थे और 5 मिनट के भीतर ही वो बढ़िया हंसता हंसता चला गया। तो ये आप भी अपने बड़े बुजुर्ग जमाने में सांप डस देता था तो मंत्रों से उसका जहर उतार दिया जाता था। अब आपसे जरा स्पष्टीकरण कर लूं कि जिसे सर्प ने डसा था
उसे तो समझ में नहीं आया कि पंडा जी ने कौन सा मंत्र पढ़ा। भाई पंडे ने तो मंत्र पढ़ा, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि पंडे ने क्या पढ़ा, पर जहर तो सही में उतर गया ना। उसी प्रकार से भागवत के 18,000 श्लोक आपकी समझ में आए ना आए, परंतु जन्म जन्म के पापों का जहर भागवत सुनने से उतर जाता है। जैसे सर्प का डसा हुआ व्यक्ति झाड़ने से उसका जहर उतर जाता है, ऐसे 7 दिन की कथा से जन्म जन्म के पापों का जो जहर है वो जहर इस भागवत से उतर जाता है। ये निश्चित है, ये अटल सत्य है, ये भागवत की पावन सी महिमा है। और क्या गाएं हम आपको, हाँ प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज को विश्वास हुआ, हरिद्वार की पावन सी धरा पर शुरू हुई भागवत की कथा। 4 आसन लगाई गई सनकादियों के लिए और कथा चालू हुई। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। हाँ भागवत कितनी बार श्रवण करें, बोले भागवत बार बार श्रवण करो। भागवत श्रवण करने से केवल नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब ये बातें कही गई सनकादियों के द्वारा कि राम राम रटते रहो, कब तक रटे, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना। तो भगवान का नाम नारद जी ने जब सुना, भगवान का नाम गाइए, कथा निरंतर सुनिए। जैसे ही महिमा भागवत की सुनी भक्ति महारानी वृंदावन से, कथा हुई हरिद्वार में, नारद जी मुख्य यजमान बने, 3 आसन खाली लगाई गई, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का संकल्प हुआ। और जैसे ही महिमा हुई नाम की भागवत की, भक्ति का दुख दूर हो गया। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार तुरंत मिटता है, ऐसे भागवत का संकल्प होते ही पाप तुरंत समाप्त होते हैं, कल पर नहीं तुरंत। भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ और वो उपताता थैया करके हरिद्वार पहुंची। और भक्ति सुतौ तौ तरुणौ ग्रहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे तिनामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी नाचने लगी, भक्ति महारानी कीर्तन करने लगी और ताता थैया करके प्रेम पूर्वक जब भक्ति महारानी नाची, संतों से कहा महाराज मेरा तो सारा दुख दूर हो गया। कैसे दुख दूर हो गया, बोले केवल भगवान का नाम सुनते ही दुख दूर हो गया। हाँ राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। हो दिल मेरा राधे 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 गाता। आइए प्रेम पूर्वक दोनों हाथ उठा के भाव से जय हो राधा रानी की शरण में। जाता है राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है।
मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। कितनी सुंदर बात है। राधा रानी का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है? हाँ, तू करुणामयी राधे, तू करती कृपा राधे, तू करुणामयी राधे, मेरी विनती सुनो राधे, अब दे दो दर्श राधे। राधे नाम को सुन कर कान्हा दौड़ाता है, राधे नाम को सुन कर कान्हा दौड़ाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 गाता है। राधे राधे हो राधे राधे महिमा अपरंपार, तू वेदों का है सार। तेरी महिमा अपरंपार, तू वेदों का है सार। तू सृष्टि का आधार, तुझे कहते हैं दाता। आधार तुझे कहते हैं दाता। तेरी महिमा सुन कर के हर सुख मिल जाता है। कितनी सुंदर बात भक्त राधा रानी के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। हे राधा रानी, आपकी ना आपकी महिमा ऐसी है कि जब आपका नाम मेरे कानों के द्वारा जब मेरे हृदय तक पहुंचता है तो हाँ, तेरी महिमा सुन कर के हर सुख मिल जाता है। तेरी महिमा सुन कर के हर सुख मिल जाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल में राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। ये मेरी अपनी प्रार्थना है, हे राधा रानी, भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत, भक्तों
भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। तू जितना दे मुझको मैं उतने मैं सहमत, तू जितना दे मुझको मैं उतने मैं सहमत। भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत, भक्तों पे बरसती है दिन रात तेरी रहमत। तू जितना दे मुझको मैं उतने मैं सहमत, जितना दे मुझको मैं उतने मैं सहमत। तेरे नाम की महिमा राधे अनिरुद्ध गाता है, दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे राधे हो राधे राधे आ, राधे राधे हो राधे राधे। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, मिट जाता है कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अद्भुत महिमा श्री राधा रानी की। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। और राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है, राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया केवल भागवत की महिमा को श्रवण कर। हृदय में बैठने का स्थान दिया गया। भक्ति ने कहा प्रभु मैं कहाँ बैठूं, मेरा कोई स्थान तो नियुक्त कीजिए। तब कहा कि ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय अंतःकरण खाली है, जाओ इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। ठीक है, भक्ति सारे भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाती है। और नारद जी के अंदर एक प्रश्न का जन्म हो जाता है। नारद जी कहते हैं सनकादियों से, हे प्रभु कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, परंतु क्या वह व्यक्ति तरेगा जिसने जीवन भर पाप किया हो? तब सनकादियों ने विश्वास से कहा हाँ, बड़े बड़े पापी वीआईपी पापी क्यों ना हो, उनका भी उद्धार हो जाता है। किसी का हुआ? हाँ, किसका हुआ? तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मता परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ था, धन थी, धन था, प्रतिष्ठा थी, पद था, सब कुछ था, परंतु एक चीज की कमी थी मात्र। आत्मदेव जी के घर कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, पाठ किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, सब कुछ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए, पर पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हो सका। कई बार क्या होता है कि हम संसार की कामना करने लग जाते हैं। एक सज्जन हमसे कहते हैं गुरुजी,
हमारे पुत्र नहीं है, अब हम भगवान को क्यों माने? इतनी पूजा करते हैं, इतनी पाठ करते हैं, इतने यज्ञ करते हैं, इतना जाप करते हैं, पर हमारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, क्यों? हाँ, संतान नहीं है। अब संतान के लिए आप देखिए, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है श्री नारद जी ने कि भगवान की भक्ति तो करो परंतु कोई चाहत मत रखो। यदि कोई चाहत रखेंगे और वो चाहत पूरी हो गई तब तो आप भगवान की जय जयकार करेंगे, और वो चाहत अधूरी रह गई तो फिर भगवान से शिकायत करने लग जाएंगे, अरे भगवान तो है ही नहीं, होते तो ये क्यों होता। इसलिए भगवान की भक्ति निष्काम हो, कोई चाहत नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहन सा, कोई कामना नहीं, निष्काम निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, निष्काम। हे प्रभु आपकी मर्जी, जो देना चाहें आपकी मर्जी से दीजिए, देना है पुत्र तो दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। सच्चाई तो यह है कि हम संसार के लोगों को देखकर परेशान हैं, इनके बेटा है, इनके बेटा है, मेरे बेटा नहीं है। हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भी होना चाहिए, परंतु सच्चाई यह नहीं है। संतान किसी को मिल भी जाए तो वो भाग्यशाली नहीं हो सकता, वो बड़भागी नहीं हो सकता। फिर भाग्यशाली और बड़भागी कौन है? बोले जिनका हृदय, जिनका मन भगवान में लगा है, जो भगवान का नित्य चिंतन कर रहे हैं, जो कृष्ण को ही अपना धन मान रहे हैं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जिसने कृष्ण को ही अपना मान लिया हो भला उसे फिर किसी और चीज की चाहत क्या है? क्या चाहत है, क्या कामना है, क्या इच्छा है? कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हाँ, जो देना है देंगे विधत्ता। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, पुत्र नहीं मिला, मन संसार से हट गया, वैराग्य ले लिया। जो इच्छा आपको बार बार तंग करे, परेशान करे, उस इच्छा को त्याग दीजिए, उस त्याग में ही सुख है। हाँ, सुख है त्याग में। यदि आपने त्याग ना किया तो सुख कैसे मिलेगा? जैसे आपकी इच्छा है कि मैं गाड़ी लूं, गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए अभी आपके हैं, अब ये 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, अर्थात इनका त्याग करना पड़ेगा। जब देंगे तो गाड़ी मिलेगी, तो इसका त्याग करेंगे तो दूसरा सुख मिलेगा, त्याग नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं ने आपको परेशान कर रखा है, उन इच्छाओं का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक सुख की अनुभूति संभव नहीं है। तो यदि सुख चाहते हैं तो त्याग करिए इच्छाओं का। आत्मदेव ने सारी इच्छाएं त्याग दी और प्रेम से भजन करने लगे। एक दिन पड़ोसी ने आकर कह दिया कि आपके गाय बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे रही है, तुलसी बार बार सूख जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके घर पुत्र नहीं है। अच्छा, जिनके पुत्र नहीं होते ना वो बहुत परेशान होते हैं, मेरे पुत्र नहीं है, लोग बड़े ताने मारते हैं, इसने ताने मार दिया, उसने ताने मार दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ किसी के तानों पर चले मत जाइएगा। ताने किसी ने मार दिए सो मार दिए, परेशान मत होइएगा, तानों की परवाह मत कीजिएगा। हाँ, पुत्र के प्राप्त होने से कोई महान नहीं होता, मीराबाई के भी कोई पुत्र नहीं था, यशोदा माँ के भी कोई पुत्र नहीं था। यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान रखा था, वो तो देवकी पुत्र थे। बस जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया, आप भी जीवन में जिस चीज का अभाव है, पुत्र का अभाव है तो कृष्ण को पुत्र मान लीजिए, भाई का अभाव है तो कृष्ण को भाई मान लीजिए, पति नहीं है तो कृष्ण को पति के रूप में देखिए, गुरु नहीं है तो कृष्ण को गुरु के रूप में देखिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम,
आपके जीवन में जिस रिश्ते का अभाव है उस जगह श्री कृष्ण का भाव बनाइए, फिर देखिए आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। आत्मदेव जी पड़ोसी की बात से विचलित होकर घर का त्याग करके और जंगल में मरने के लिए गए। वहां एक संत ने देखा ब्राह्मण रो रहा है, तब संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं महियं स्वस्य दुःखशिकारिणम्। हे ब्राह्मण, संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता, क्या चिंता है आपके अंदर? वदत्वं सत्वरं महियं, मुझे सच सच बताओ आपके अंदर क्या चिंता है, आप क्यों रो रहे हैं? तब आत्मदेव ने कहा, धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजा बिना, मेरे पुत्र नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। संत ने समझाया, राजन मेरे भी संतों की भी कोई पुत्र नहीं है, ये पुत्र की अभिलाषा त्याग दो, पुत्र की इच्छाएं त्याग दो और कृष्ण को अपना मान लो। संत की बात आत्मदेव जी की समझ में नहीं आई, मुझे पुत्र चाहिए, जिद कर लिया, मुझे बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, ठीक है। संत ने कहा, यदि चाहिए सो ले लो, लो ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और फल खाने से आपकी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र होगा। वो तपस्वी संत का फल ले जाकर आत्मदेव ने पत्नी धुंधली को दिया, धुंधली खाओ। धुंधली ने विचार किया, खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी और फिर पुत्र होगा, ये कष्ट कौन उठाएगा। आत्मदेव जी तो चले गए, आत्मदेव के जाते ही धुंधली विचार करने लगी, फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक बहन आ गई, बहन ने कहा, फल वल खाने से कोई बेटा नहीं होता, गौ माता को खिला दे, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बेटा ले लेना। धुंधली ने बहन का बेटा खरीद लिया, फल गाय को खिलाया, गाय को सुंदर सा बालक हुआ, नाम रखा गौकर्ण, धुंधली के पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अंत में क्या हुआ, धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो बड़ा दुष्ट हुआ, कि यत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयाभव गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाखल दुष्ट धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मुझे धन दो। पिता ने कहा, तूने सारा जुआ में नाश कर दिया धन का, अब कहां से लाऊं? आपने जमीन में गाड़ रखा है, निकालो। पिता ने कहा, कुछ नहीं है, ये गलतफहमी मत पाल। तब धुंधकारी ने पिता को सारे गांव के बीच में, लोगों के बीच में अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, लाठी उठाई और पिता की पीठ में जो बरसाना शुरू किया। पिता की ऐसी हालत देखकर गौकर्ण जी आ गए और गौकर्ण जी क्या कह रहे हैं अपने पिताजी से। गौकर्ण जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, गौकर्ण जी बड़ा उत्तम कोटि का ज्ञान दे रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज पिता को समझा रहे हैं, पिताश्री इतने उदास ना होइए आप, इतने परेशान मत होइए आप, क्योंकि दे देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभांगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी
ये शरीर हमारा हाड़ मांस का है। आत्मदेव जी ने कहा, पिताजी आप कहते हैं ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये परिवार मेरा है, आप ये बताओ क्या ये शरीर आपका है? अरे जो शरीर हमारे पास है, ये आँख, ये नाक, ये कान, ये हाथ, ये पाँव, ये शरीर जो हमारा हमारे पास है, कल को हमें ये शरीर भी छोड़कर जाना पड़ेगा, हमारा ये शरीर भी हमारा साथ नहीं निभाएगा। हाँ, ये शरीर भी हमारा नहीं है। यदि शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? बुढ़ापे में हाथ पांव कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ है कि शरीर आपके पास है, पर आपके पास होता हुआ भी आपका नहीं है। जब ये शरीर आपका नहीं हो सका तो पत्नी पुत्र परिवार आपका कैसे हो सकता है? गौकर्ण जी ने कहा, ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत ना होगी घर तेरे पल्लू, अमानत ना होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। गोकर्ण जी कहते हैं, ये जिंदगी एक किराए का घर है, ये जिंदगी एक किराए, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, जब तुम से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल। हरि बोल। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है, मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है, खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है, खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है, खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है, खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा? ये मिट्टी की काया है, मरने के बाद क्या होगा? या जमीन पर तो रबत बनेगी, या तो जमीन पर गड्ढा खोद के गाड़ दिए जाओगे। ये मिट्टी का शरीर है, कितना चलेगा? सुबह का बना अन्न शाम को बिगड़ जाता है, दाल चावल सुबह की बनी शाम को दुर्गंध आने लगती है, उसी भोजन से बना हुआ शरीर ये भला कब तक चलेगा?
या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। श्री राधे, हरि जय हो, जय जय हरि। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होता सवेरा हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। तो यदि अच्छा दिन देखना चाहते हो जीवन में तो क्या करना पड़ेगा? पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा पड़ेगा, 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 तुमको कांटों। यहाँ मुसाफिर है ये शराए पानी है, चार रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, जिंदगानी है तेरी जिंदगानी है, धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा, जान कर भी अनजाना है दीवाने, अपनी उम्र ऐ पानी तन रहा है दीवाने, और सावधान, किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में, सबको आनी है कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। इसलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है, रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, पल भर का सपना ढूंढ लो कोई महबूब अपना, ये जवानी है पल भर का सपना ढूंढ लो कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी भर हाथ मलना पड़ेगा पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना।
जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में, आज तक ये देखा है पाने वाला रोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, मिटने वाली दुनिया का ऐतवार करता है, क्या समझ के तू आखिर जग से प्यार करता है, इसलिए जग से प्यार ना करो, जगन्नाथ से प्यार करने लग जाओ। हाँ, जगन्नाथ ही पार लगाने वाले हैं। पिताजी को जब धुंधकारी ने मारा, पिताजी घर त्याग कर निकल गए, धुंधकारी ने अपनी माँ पर हाथ उठाया और माँ को मारना शुरू किया, माँ बेचारी रोती हुई कुएं में कूद के मर गई, अर्थात धुंधकारी ने अपनी माँ पर बड़ा अत्याचार किया, बहुत सारे जुल्म किए, जैसे आज के बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को मैं नमन करता हूँ, पर ऐसे बच्चों से मुझे शिकायत भी है जो बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करते। हाँ, अरे भगवान की सूरत तुमने देखी है क्या? जब हम भगवान के घर से संसार में आने लग गए, तब इंसान ने भगवान से पूछा था कि प्रभु मैं तो तेरी संतान हूं, मैं तो तेरी औलाद हूं, मैं संसार में किसके भरोसे रहूंगा, कौन मुझे पालेगा, कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मुझे रोटियां देगा? तब भगवान ने कहा था, बेटा तेरे जाने के पहले मैं स्वयं तेरी सेवा करने के लिए, तेरी परवरिश करने के लिए आ जाऊंगा। तब हम लोगों ने पूछा था कि भगवान आप संसार में किस रूप में आएंगे, तब भगवान ने कहा था, संसार में जन्म लेते ही जब तू आंख खोलेगा और आंख खोलते ही जब तू देखेगा जिसे देखेगा उस रूप में मैं ही हूं, सबसे पहले तू अपनी माँ को देखता है, तो जो तेरी माँ है ना वो मैं ही माँ बनकर यहां आता हूं। एक बात आपको बता दूं कि जब आप कोई फैक्ट्री लगवाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं अपने घर पर, तो कंपनी के लोग पहले आते हैं, फिटिंग करते हैं और कैसे उसे चलाना है स्वयं कंपनी वाले सिखाते हैं, समझाते हैं। आपने घर पर एसी लगवाई तो एसी लगाने के लिए कंपनी वाले आएंगे, आपके घर लगाएंगे, कैसे उसे संभालना है, कैसे उसे चलाना है आपको सिखाएंगे। ऐसे ही जब भगवान के घर से हम संसार में आए तो स्वयं भगवान ही माँ बनकर हमें आए संसार में सिखाने, बेटा अब तुम्हें संसार में ऐसे जीना, माँ गुरु होती है ना, गुरु,
माँ गुरु माँ माँ बनकर दूध पिलाती है और गुरु बनकर सिखाती है, बेटा इस रास्ते पर नहीं चलना, इस रास्ते पे मत जाना, ये रास्ते को अपनाना। सच्चाई के ईमानदारी के पाठ पढ़ा पढ़ा कर माँ बाप माँ तुम्हें चलाती है, सिखाती है, समझाती है। वो भगवान जैसे कंपनी से एसी लगाने वाला आता है, वो कंपनी का आदमी है आपका नहीं, वो सिखा रहा है। ऐसे माँ भगवान की आदमी अर्थात माँ भगवान के घर से आई हुई है, जो जो भगवान ने भेजा है, भगवान ही स्वरूप में है कि आपका लालन पालन करते हैं। तो जब आंख खुली तो पहला रूप माँ का देखा, वो परमात्मा ही माँ बनकर, ईश्वर ही माँ बनकर आपके सामने है और आपकी सेवा करता है, आपका मलमूत्र साफ करती है माँ, खिलाती है माँ, पिलाती है, दूध पिलाती है और कितना बढ़िया लालन पालन करती है, बड़ा बना देती है आपको। और आप जब बड़े बन जाते हैं तो उसी माँ के एहसानों को भूल जाते, तुमने क्या किया मेरे लिए, वाह तुम्हारी जेबा पर कीड़ा नहीं पड़ गए जब तुमने माँ से ये कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया। हाँ क्या तुम माँ को ये शब्द कहने के योग्य हो कि तुमने क्या किया ना। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, कभी अपने माँ बाप को पलट कर ये जवाब मत देना कि तुमने मेरे लिए क्या किया। कुछ ना किया होता तो क्या आज आप इतने बड़े हो गए होते, इतनी उम्र हो गई होती आपकी। हाँ इसलिए प्रार्थना करता हूँ माँ बाप की सेवा। श्रीधाम वृंदावन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृंदावन की पावन धरा पर वृद्ध माओं की सेवा के लिए एक वृद्धाश्रम का निर्माण होने जा रहा है, और इसी कार्य में जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, दुख देते हैं, ऐसे माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करना चाहता है। और केवल आप सभी भक्तों के सहयोग से, आप सभी सहयोग कर भी रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उन भक्तों का जो योगदान दे रहे हैं। ईश्वर आपको उसका करोड़ों गुना कई गुना वापस दे जितना आप दे रहे हैं। दान करने से दानम दुर्गति नाशनम, कई बार हमने कहा है कि दान करने से दुर्गति मिट जाती है, इसलिए जब आप दान करते हैं तो आपके दिए हुए दान से आपके घर की आपके घर का सारा दोष दान के द्वारा बाहर निकल जाता है, और दान शब्द जुड़ते ही वो दोष देने वाले का समाप्त हो जाता है, और वो धन जहाँ पहुँचता है वहाँ सेवा के काम आता है। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आइए पुनः उनकी ओर चलते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे, बड़ी ही सुंदर पावन कथा का श्रवण पान कर रहे थे आप सभी भक्तगण, और पूज्य महाराज श्री अपनी सरल वाणी में, बड़ी ही सौम्य वाणी में कथा का विस्तार कर रहे हैं। कथा को सुनकर ये मन आनंदित तो हो ही रहा है, और जैसा कि संकल्प पूज्य महाराज श्री ने ले रखा है और अभी बताया कि माओं की सेवा से हम और आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। ये सेवा उन माओं की सेवा है जिन माओं ने हमें इस धरती पर उतारा है, वो माँ जिसका एकमात्र शब्द माँ कहने मात्र से माँ की ममता जाग जाती हो, हमारा हृदय आनंदित हो जाता हो, उन माओं की सेवा का ये प्रकल्प है, ये संकल्प है। पता नहीं कौन वो पुत्र होंगे जिन्होंने अपनी माओ को घर से निकाल दिया होगा, लेकिन जिन्होंने अभी निकाला है उन माओ को हम जरूर अपनाएंगे। ऐसे ही इस पावन प्रकल्प से हम और आप जुड़ रहे हैं और उन माओ का हाथ थाम रहे हैं जिन माओ को आज सहारे की आवश्यकता है। कहते हैं कि हजारों टन घी की आहुति लगाने से कहीं ज्यादा किसी एक माँ का, किसी एक बेसहारा का हाथ थाम लेना, उस हजारों क्विंटल घी के यज्ञ किए हुए आहुति किए हुए यज्ञ से कहीं ज्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति कराता है। ठीक वैसे ही, और वो भी अगर आप धाम से जुड़े रहे हो, श्री धाम वृंदावन जैसे धाम से जुड़े रहे हो, जिस धाम में, जिसकी कण कण में भगवान विराजमान हो, जहां उनकी महिमा का आप अवलोकन करते हो, वहां उस धाम की इस पावन मिट्टी से जुड़े रहे हो, श्री धाम वृंदावन से जुड़े रहे हो, तो ऐसा पावन सा प्रकल्प जो आपको सीधे वृंदावन से ही नहीं जोड़ रहा हो, मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से भी जोड़ रहा हो। जैसा कि आज मालूम है आपको कि आज पूरा देश ही नहीं, विदेश भी बहुत इस बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर
कुछ संचार के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है तो वह है भगवत कृपा। और यही कृपा के माध्यम से आप सभी तक हम अपनी वाणी के माध्यम से आवाहन करते हैं कि आइए चलते श्री धाम वृंदावन की उस पावन तलेटी में जहां माओं का वो निज निवास बनने जा रहा है, जहां माएं ठाकुर जी का ध्यान करेंगी, भक्ति पूजा पाठ जाप करेंगी और उसका फल आपको मिलेगा। तो यही सौभाग्य मिल रहा है वो पुण्य कमाने का, उन माओं का सहारा बनने का। आज की इस पावन पवित्र बेला में किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने समस्त भारतवर्ष अपने धन का सदुपयोग किया है, धन की आहुति लगाई है, अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं, आइए उनके नाम जानते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पुष्पा जी कुमारी आप नई दिल्ली से एक माह का सहारा बनने हेतु 21,000 रुपए समर्पित कर रही हैं, धर्मपुत्री बन रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में 52,000 रुपए देकर आश्रम को सहारा लगा रही हैं, आश्रम में आप सहयोग प्रदान कर रही हैं और एक माह का आप सहारा बन रही हैं। राधे श्याम जी अग्रवाल आप पश्चिम बर्धमान से हैं और 1111 सावित्री देवी जी पटना से 2,000 रुपए, श्रीमती भानवती जी राठौर आप बरेली से ये धनराशि माओ की सेवा के लिए समर्पित कर रही हैं। इसी श्रृंखला में गीता देवी जी आप श्रीमान नारायण राउत लोटा पट्टी से एक माह का सहारा बने हैं, आपने भी 21,000 रुपए समर्पित किए हैं माओ की सेवा के लिए। इसी श्रृंखला में 4,100 रुपए जगदीश जी कुरुक्षेत्र हरियाणा से समर्पित कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में 1,100 रुपए श्री राजकुमारी जी बादवाणी रायपुर से, संतोष श्री बेनी अलसी सर से आज बंदरों की सेवा पुनः श्रीधाम वृंदावन में चालू हो रही है और प्रेम पूर्वक वो लाइए, यहाँ लाइए बेटा। हनुमान जी स्वयं इस रूप में उपस्थित
सभी मिलकर सेवा करेंगे। बड़े प्रेम से यहाँ ये सेवा स्वीकार करते हैं। लो लो जल्दी आओ। आ जाओ। लो आराम से लड़ना मत। और लड़ना मत। इन्होंने कितना लो आ जा। ठाकुर जी को मनाया होगा, ब्रह्मा को मनाया होगा कि हमें वृंदावन में वास मिले। लो यहाँ, तब जाके इनको वृंदावन में जन्म मिला और वास मिला। और ये कितने बड़भागी हैं जो कि वृंदावन में प्रतिमाओं की सेवा से जुड़े रहे, श्रीधाम वृंदावन से जुड़े रहे। आइए चलते हैं पवन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर अपने घर से ही बोलेंगे राधे राधे। आइए चलते हैं पवन कथा की ओर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रिय भक्तों, अभी श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा के लिए कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ही आप देख पाएंगे कि माओं की सेवा का दर्शन आप कर पाएंगे। और यहाँ पर अन्य क्षेत्र चालू हुआ है नित्य। अब श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप सभी के नाम से, आप सभी भक्तों के नाम से अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। बंदरों को केला चना, बंदरों की सेवा, साधुओं की, विद्यार्थियों की, प्राणी मात्र के लिए अन्न क्षेत्र और गौ माता के लिए सेवा। तो यहाँ पर रोज अन्न क्षेत्र चलेगा, भोजन बांटा जाता है। आप सभी टीवी पर उसे रोज देख पाएंगे। सुबह 8 बजे रोज, प्रातःकाल 8 बजे रोज वृंदावन में हम ये दास अन्न क्षेत्र में जाकर अन्न भोजन बांटने का कार्य करता है। आप उसे देख सकते हैं सुबह 8 बजे फेसबुक पेज पर, हम वो लाइव करते हैं। आप सभी फेसबुक पेज अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से जुड़ें और रोज जो वृद्धों की सेवा, इस प्रकार दीन दुखियों को जो भोजन की सेवा होती है और बंदर सेवा जो होती है रोज, वो आप अपने मोबाइल पर फेसबुक पेज पर जाएं और अनिरुद्धाचार्य जी डालें, आपको मिलेगा। आप औरों तक पहुंचाएं, जुड़े रहें। और साथ ही ये कथा YouTube चैनल अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से YouTube पर है, वो भी आप जरूर देखें, उससे जरूर जुड़ें और कथाएं निरंतर सुनते रहें। प्रिय भक्तों, धुंधकारी अंत में 5 स्त्रियों के संग, 5 स्त्रियों का गुलाम हो गया, 5 स्त्रियों के संग रहने लगा। अंत में वो 5ों स्त्रियां धुंधकारी को मार डालती हैं गला दबाकर। ये 5 स्त्रियां कौन है? ये धुंधकारी कौन है? ये आत्मदेव कौन है? आइए समझते हैं। एक उत्तम नगर है, उत्तम नगर है हमारा शरीर। इस उत्तम नगर के शरीर में एक आत्मदेव जी रहते हैं, अर्थात एक आत्मा रहती है। ये शरीर पर एक आत्मा रहती है और साथ में एक धुंधली भी रहती है। धुंधली मतलब जो धुंधला दिखे, क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, अर्थात वो बुद्धि जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो हमारे इस शरीर के नगर में आत्मा भी रहती है और साथ में धुंधकारी भी रहता है। ये धुंधकारी कौन है? हमारा मन धुंधकारी है। धुंधकारी की 5 पत्नियां हैं,
हमारा मन भी पांच स्त्रियों के संग लगा रहता है। ये कौन है स्त्रियां? पांच ज्ञान इंद्रियां। हमारी आंख रूप देखना चाहती है, हमारे कान अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी चमड़ी त्वचा अच्छा अच्छा स्पर्श टच करना चाहती है, हमारी नासिका अच्छा सूंघना चाहती है और हमारी जिह्वा अच्छा अच्छा रस लेना चाहती, स्वाद लेना चाहती है। इन पांचों की हम सभी गुलामी कर रहे हैं। हम सभी या तो अच्छा देखना चाहते हैं, या अच्छा सुनना चाहते हैं, या अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, या अच्छा खाना, या अच्छा सूंघना चाहते हैं। धुंधकारी इन पांचों का गुलाम हुआ, अंत में इन पांचों ने धुंधकारी को मार दिया, अथवा अंत में हम सारे लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए घूम रहे हैं, सारे लोग अपनी इच्छाओं के लिए चल रहे हैं। मैं आपको कह दूं कि हम पूरे हो जाएंगे पर हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अंत में उन इंद्रियों ने, इच्छाओं ने धुंधकारी को मार दिया, अर्थात हमारी इच्छाएं ही हमारी जान ले लेती हैं। हाँ, सारी दुनिया हम आपाधापी में उलझे रहते हैं और भगवान में मन नहीं लगाते, और यही दुर्गति धुंधकारी की हुई। जब वो विषयों में मन लगाए हुए मर गया तो अंत में क्या हुआ? गोकर्ण जी प्रेत बन गया, और जब प्रेत बना तब गोकर्ण जी ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई। जब आप गलत काम करते हैं तो आपका मन भटकता है, आप भटकते हैं, अन्य योनियों में चले जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। और जब कोई सच्चा गुरु आपके नाम से, आपके परिवार का कोई सदस्य कहे कि हमारे पूर्वजों के नाम से भागवत सुनाइए, और जब कोई भागवत आपके नाम से सुनवाता है, तब कहीं जाकर आपका उद्धार होता है, नहीं तो आप प्रेत योनियों में ही भटकते रह जाते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण धुंधकारी है। धुंधकारी जैसों की दुर्गति हो गई। हाँ, इसलिए गलत ना करें, इंद्रियों के अधीन ना बने। ये इंद्रियां हमें ठग लेती हैं, हमारी आंख ठग लेती है, अच्छा अच्छा इसे दिखाती रहो बस। आदमी अंधा हो जाता है पर देखने की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। व्यक्ति बहरा हो जाता है पर सुनने की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर भोगों की इच्छाएं समाप्त नहीं। कितनी ये छल लेती हैं इंद्रियां, हमें पता ही नहीं चलता। सबसे अधिक, सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? हमारी अपनी इंद्रियां, हमारी अपनी अनंत इच्छाएं। हमारा मन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है। हम बाहर के दुश्मन को तो ढूंढ लेते हैं, बाहर के दुश्मन से तो बच जाते हैं, पर भीतर के दुश्मन से बच पाना बहुत कठिन है। इसलिए कहता हूँ, हर क्षण गोविंद नाम जपो और कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे दीनानाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। और जब आप भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इन इंद्रियों से बच जाएंगे, इनके अत्याचार से बच जाएंगे। दूसरी बार गोकर्ण जी ने जब भागवत सुनाई, प्रथम बार धुंधकारी विमान पर चढ़ के भगवान की ओर चले गए। भागवत सुनते ही बांस की ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गए। पहले दिन की कथा में बांस की प्रथम ग्रंथि खुली, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तृतीय दिवस की कथा में तीसरी, अर्थात सात दिन की कथा में बांस की सातों ग्रंथि खुली। एक दिव्य पुरुष निकला और भगवान के निज धाम की ओर चला गया। ये ग्रंथि क्या है? हमारे भीतर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सरता कपट की ग्रंथि है। यदि आप मन भगवान में लगाएंगे तो आपकी ये ग्रंथियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। काम मिटेगा, क्रोध मिटेगा, लोभ मिटेगा, भगवान मिटाएंगे, हम थोड़ी मिटाएंगे, भगवान मिटाएंगे, सब मिट जाएगा। और आप निष्कपट निष्काम होकर और प्रसन्न चित्त से भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। जैसा जैसा बाग से तोड़कर, जैसे बगीचे से तोड़कर आप खिला हुआ पुष्प गुलाब का कमल का गेंदे का भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पुष्प कैसा? खिला हुआ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बा सड़ापन नहीं होना चाहिए,
कुछ पंखुड़ियां खराब हो जाती हैं, वैसा पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाते, बिल्कुल सुंदर पुष्प भगवान जी को चढ़ाते हैं। वैसे ही जैसे खिला हुआ पुष्प भगवान के चरणों में जाता है, आप भी जब निष्काम हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे, तो आप भी खिले हुए पुष्प हो जाएंगे। और फिर खिला हुआ पुष्प अर्थात अपने आप को पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, धंधकारी ने दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, वहां पर जितने पशु पक्षी जीव मात्र थे सबके लिए विमान आया और सब भगवान के निज धाम को प्रस्थान कर गए। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, ताता थैया करके नाचने लगे और बड़े अद्भुत वहां भगवान प्रकट भए और प्रकट होकर गोकर्ण जी को जो भगवान से जोड़ते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान हृदय से लगाते हैं। कथा सुनने वालों को तो भगवान मिलते ही हैं, पर कथा सुनाने वालों को भगवान हृदय से लगाकर कहते हैं, वाह तुमने इतने लोगों को मुझसे जोड़ दिया, और भगवान हृदय से गोकर्ण जी को लगा लेते हैं। ऐसी पावन दिव्य भागवत जी की चर्चा आप लोगों ने सुनी। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्ति कुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य, जन्माद्यस्य, जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, हमें जन्म देते हैं, स्वानैव राजति इति स्वराट, जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं और सूर्य चंद्रमा जिनसे प्रकाशित होते हैं, मुह्यन्ति यत् सूर्यः, जिस परमात्मा की माया को ब्रह्मा ना जान पाए ब्रह्मा मोहित हो गए, ऐसे परम पुरुष परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्यम परम धीमहि परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। भागवत में पहला प्रश्न हुआ, सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, मनुष्य का परम धर्म क्या है? ये भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या दान करना धर्म है? क्या यज्ञ करना धर्म है? धर्म क्या है हमारा? अब आपसे कोई पूछे आपका धर्म क्या है, आप कहेंगे हमारा सनातन धर्म है, सत्य सनातन। अरे भाई, ये तो हमारा धर्म है ही, व्यक्ति विशेष में आपकी बात करता हूं, आप व्यक्ति विशेष, आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? तब हमारा धर्म क्या है? तो बतलाते हैं गोस्वामी जी, सत्य बराबर तप नहीं। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, सत्य के लिए आन वान शान क्या है? सत्य, हमारी सत्य ही आन है, सत्य ही वाण है,
राजा हरिश्चंद्र जैसे धर्मात्मा राजा सत्य के लिए बिक गए। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपने राज्य का दान कर दिया। दुर्वासा जी आए, उन्हें सब दान कर दिया। सब दान करने के बाद दक्षिणा रह गई। 1100 स्वर्ण मुद्राएं देना था। दुर्वासा जी ने कहा, मुझे दक्षिणा दीजिए, आपके घर मैंने भोजन किया है, भोजन कराए हैं, आप दक्षिणा दीजिए। जबकि हरिश्चंद्र ने उसके पहले पूरा राज्य दे चुके थे, अब दक्षिणा कहाँ से लाएं? तब मजदूरी करने निकल गए हरिश्चंद्र। पत्नी तारा को लेकर, पुत्र रोहित को लेकर घर से निकल गए। महीने भर बीत गए, काम कहीं नहीं मिला। अब लग रहा है प्राण त्याग दें। गंगा जी के तट पर काशी पहुंच गए। तभी उनकी पत्नी तारा ने कहा, प्राणनाथ मुझे बैच क्यों नहीं देते? भरी बाजार में तारा खड़ी हो गई और कहा, मुझे कोई खरीद लो। पंडित जी ने कहा, पंडितानी बूढ़ी हो गई है, क्या मेरी पंडितानी की तू सेवा करेगी, घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करेगी? हाँ हाँ करेंगी। किस लिए? सत्य के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता। वाह। श्री तारामती पंडित जी के हाथों 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। पंडित जी बाल पकड़ कर ले जाने लगे। रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ मेरी माँ कहाँ? तब माँ ने कहा, महाराज मेरा बेटा इसे भी खरीद लीजिए। पंडित जी बोले, ना तुम माँ बेटी रहोगी तो काम नहीं होगा। वो छोटा सा नन्हा सा बालक जिद करने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। पंडित जी को दया आई और 100 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक डॉम के हवाले कर दिया और चांडाल बनकर शमशान में पहरा देने लगे। और 1100 स्वर्ण मुद्राएं सूर्य अस्त के पहले, महीना भर का समय पूरा होने के पहले, और उन्होंने समर्पित कर दी। महाराज आपके ऋण से हम उऋण हो गए। धर्म के लिए, सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए। वाह, पत्नी बच्चा खुद बिक गए, पर धर्म को जाने नहीं दिया। अरे चाहते तो कह देते, क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, हम क्यों बिकें, हम क्यों दें आपको दान दक्षिणा? ना, कह दिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, एक दिन उसका बेटा बगीचे में पुष्प चुन रहा था, तभी एक सर्प ने डस लिया। और तारा जब बेटे के शव पर रोने चली तो पंडित जी ने कहा, खबरदार मेरी पूजा पूरी जब तक ना हो तो जाएगी नहीं। बेटा पड़ा हुआ था, मरा हुआ था, और माँ बच्चे से मिलने भी नहीं जा सकती, माँ बच्चे को देखने भी नहीं जा सकती। और वहाँ पर तारामती काम करती है, जब रात्रि हो जाती है तो मरे हुए बच्चे के पास जाकर रोती है, पुत्र मैं वक्त से आ गई होती तो शायद तेरे प्राण में बचा लेती। गोद पर लेकर चलती है कि कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। और जब वो संयोग से उसी शमशान में तारा पहुँच गई अपने पुत्र रोहित को लेकर, जहाँ पहरेदार स्वयं हरिश्चंद्र थे, और रोने लगी, तब हरिश्चंद्र को लगा शायद कोई रोने वाली, किसी का दुख, बेटा इत्यादि, पति इत्यादि समाप्त हो गया, इसलिए रो रही है। रात्रि के समय, वो अंधेरी रात थी, हरिश्चंद्र बोले, देवी क्या हुआ? तब तारा बोली, महाराज मेरा बेटा मर गया, सर्प ने डस लिया। तो तारा को समझाने लगे हरिश्चंद्र, देखो देवी, आना जाना प्रकृति का नियम है, तुम्हें और हमें भी एक दिन मरना है, जिसका ये तो केवल कहने की बात है कि सर्प ने डस लिया, एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गया, जिसकी जितने दिन की थी उतने दिन रहा, बाद में समाप्त हो गया, उसकी जिंदगी थी ही नहीं। हरिश्चंद्र बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। तभी तारा ने कहा, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया, बल्कि दुख इस बात का है कि कल को इसके पिता मिलेंगे और कहेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? रोहित नाम सुना? हरिश्चंद्र बोले, देवी ये नाम रोहित, आपके बेटे का नाम रोहित है? हाँ हाँ, तो आपका नाम क्या है? कहा, मेरा नाम तारा है। हरिश्चंद्र समझ गए कि ये मेरी पत्नी। अब तारा समझ गई, आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम हरिश्चंद्र था। तारा तो अपने बेटे का दुख भूल गई और पति की ये हालत देख करके चांडाल
शमशान में मुर्दे जल रहे हैं, हरिश्चंद्र वहीं पर खड़े हैं, कफन ले रहे हैं, खाने को क्या? बोले मुर्दे के पास जो लोग लाकर भोजन छोड़ जाते हैं वही भोजन शमशान का हरिश्चंद्र खाते हैं, कफन ही पहनते हैं, कफन ही ओढ़ते हैं। जब पति की देखी तारा पुत्र का मरना भूल गई और पति की हालत पर चीख चीख कर रोने लगी, विधाता हमने तेरा क्या बिगाड़ा था कि आज ये स्थिति आकर खड़ी हो गई। तब तारा समझाने लगे, देवी विधाता को कुछ कहने से क्या फायदा, हाँ जैसे हमने कोई पाप किए होंगे उसकी सजा हमें मिल रही है, तो क्या तुम ये चाहती हो कि हम संतों को दान ना करते? ना ना देवी, ये जीवन तो थोड़ा है, मर जाएंगे हम सभी, पर धर्म नहीं मरना चाहिए। हम मर जाएं तो मर जाएं, पर हमारे अंदर का धर्म, हमारे अंदर का सत्य नहीं मरना चाहिए। हरिश्चंद्र की ये बातें सुनकर तारा उनके चरणों में गिर पड़ी और तारा और हरिश्चंद्र ने सोचा कि चलो अब जीने से कोई लाभ नहीं। तब तक चर्चा ये भी मिलती है कि गांव वाले दौड़कर आ गए, कहा कि ये चोरनी है, हमारा धन चुरा कर भाग रही है। हरिश्चंद्र के मालिक ने, जिसने खरीदा था डॉम ने, उन्होंने तलवार पकड़ा दी, हरिश्चंद्र को इस स्त्री का सिर खंडित कर दो। अब धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं ना तो परीक्षाएं बड़ी कठिन होती हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 12वीं की परीक्षा, पीएचडी की परीक्षा कितनी टफ होती है, कितनी कठिन होती है। जब सांसारिक डिग्रियों की पढ़ाई इतनी कठिन है, तो जब परमात्मा तुम्हें परखेगा तो उसकी परीक्षा थोड़ी कठिन तो होगी ही होगी। हाँ, आप हारिएगा मत। राजा हरिश्चंद्र के सामने पत्नी खड़ी है और कहा जा रहा है इसका सिर काट दो। राजा हरिश्चंद्र पत्नी की तरफ देखते हैं, उस पत्नी ने, उस नारी तारा ने कहा, प्राण स्वामी जी, यद पत्नी चली गई तो वापिस आ सकती है, पुत्र चला गया तो वापिस आ सकता है, पर धर्म चला गया तो वापिस नहीं आएगा। इसलिए आज पत्नी को मत देखिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तलवार उठाकर जब मालिक ने, जो जिसने खरीदा था, अब वो जो कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा, और जो तलवार चलाना चाहा, अब तो भगवान को रहा ना गया, भगवान प्रकट हो गए हरिश्चंद्र के सामने, तलवार पकड़ ली और हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े। भगवान ये सब क्या था? तेरी परीक्षा थी। क्या आपको यकीन नहीं था कि मैं सत्यवादी हूं, जो मैं कह देता हूं करता हूं? तब भगवान ने कहा कि यदि मैं दुनिया को कहता कि तू सत्यवादी है और दानी है तो कौन मानता, पर आज तूने सिद्ध कर दिया अपने कृत्य से कि तेरे जैसा सत्यवादी और तेरे जैसा दानी भला कौन होगा। दानियों में शिरोमणि श्री हरिश्चंद्र जी, भगवान ने अंत में उनका राज्य वापस किया और उन्हें राजा बनाया जहां की तहां। ये कथा छोटी सी हमें ये सिखाती है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, अनुकूल स्थितियां हों, तब तो सभी धर्म का पालन करते हैं, पर ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप अपने धैर्य को, अपने सत्य को ना छोड़ें। यही हम मनुष्यों का धर्म है। यही गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म है ना दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। मनुष्य का धर्म क्या है ये स्पष्ट आपको हमने कर दिया। शास्त्रों का सार क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण, इन तमाम प्रश्नों पर कल चलेंगे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, कुंती माँ ने भगवान से दुख मांगा है, इन तमाम प्रश्नों पर कल चलेंगे। आइए प्रेम पूर्वक भगवान नाम जपते हुए आरती उतारते हैं। कल ठीक 3 से 6 साधना टीवी पर कथा देखना मत भूलिएगा, रोज साधना टीवी पर कथा देखिएगा और ये कथा यूट्यूब पर भी चल रही है, आप इसे जरूर देखिएगा। आइए बड़े भाव से, बड़े भाव से भगवान नाम जप लेते हैं और प्रेम पूर्वक आरती उतारते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा ओ हरे रामा।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आइए प्रेम पूर्वक कार्ती हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणश मुखाद्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल जय हो। क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में
सागर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हरि बोल संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीण दान वेद ते महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीण दान भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी गौरव तरुणावतार